बदलते मौसम को लेकर जयपुर मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम से बात की सहयोगी शिवेंद्र परमार ने। सब में बदलाव जरूर हमने देखे हैं, मौसम बदलता भी है, लेकिन कल जो मौसम में बदलाव आया, खासकर जयपुर में जिस स्पीड का तूफान आया, जिस तरीके से हवाएं चली, खूब नुकसान हुआ, पेड़ गिरे, बिजली के तार गिरे, तो लोग हैरान हैं कि आखिर ये कैसा मौसम में परिवर्तन आया है कि जब नौतपा का समय है, जब टेम्परेचर 50 के आसपास होना चाहिए, उस समय जो जयपुर में मिनिमम टेम्परेचर है वो कल 20 डिग्री से नीचे चला गया। ये जानने के लिए हमारे साथ जयपुर में जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसके निदेशक राधेश्याम शर्मा जी लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कल एक अजीब सी स्थिति बनी मौसम की, सब लोग आराम से दफ्तर से लौट के घरों में पहुँच गए थे और अचानक देखा कि बहुत तेज़ तूफान आया, बारिश आई, क्या कारण रहा सर, कैसे कल मौसम बदला है जयपुर में? देखिए, मौसम केंद्र जयपुर पिछले 3-4 दिनों से लगातार प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ऐसे एडवर्स वेदर होने के लिए अलर्ट जारी कर रहा है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी यदि देखें तो हम लोगों ने स्पेशली जो नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स को पिछले 2 दिनों से ऑरेंज अलर्ट में रखा हुआ था, क्योंकि एक सीवियर और एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव था। उसके अलावा जो है वो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्दर्न पाकिस्तान और एडजॉइनिंग एरियाज़ के ऊपर में। इसके अलावा हवाओं की यदि बात करें तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी दोनों से जो है वो सफिशिएंट मॉइस्चर सप्लाई हो रहा था, तो सीवियर थंडरस्टॉर्म जो है वो एक्टिविटी काफ़ी एक्सपेक्टेड था। इवन हमारे यहाँ से शॉर्ट रेंज फोरकास्ट में भी बार बार ये अलर्ट इश्यूज किए जा रहे थे। आज भी यदि देखें तो फिलहाल जो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान का जो इलाका है, यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और जो ये सीकर, झुंझुनू का जो इलाका है, यानी हरियाणा और पंजाब से जो लगने वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं स्पेशली, यहाँ पर आज भी सीवियर काइंड ऑफ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, तेज़ हवाएं, कहीं कहीं ओलावृष्टि और बारिश भी यदि बात करें तो आप देखेंगे ये जो इलाके हैं यहाँ पर करीब 50 से 60 mm बारिश जो है वो इस इलाके में हो सकती है। पिछले 24 घंटों में भी देखें तो तेज़ अंधड़ और बारिश के साथ में कहीं कहीं भारी बारिश भी रिपोर्ट हुई है। वहीं जयपुर में भी है और आप देखेंगे नागौर में, चूरू डिस्ट्रिक्ट में, तो काफ़ी अच्छी रेन और तेज़ जो अंधड़ है वो रिपोर्ट। अगर अपन जयपुर का इसमें समझना चाहें सर वेदर की, जयपुर में आज शाम तक मौसम कैसा रहेगा, तो वो दर्शकों को आप बता सकें सर? देखिए बिल्कुल, आप मैप में देखें ये 24 आवर्स का रेनफॉल फोरकास्ट दिखाया गया है और जयपुर के जो नॉर्दर्न इलाके हैं यानी कोटपुतली, अलवर का इलाका है, यहाँ पे थोड़ा तेज़ थंडरस्टॉर्म और वहाँ थोड़ा ज़्यादा बारिश हो सकती है। जयपुर की यदि बात करें तो सिटी में भी दोपहर के बाद या शाम के टाइम में 1-2 थंडरस्टॉर्म के स्पेल्स हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आगे दिनों में यदि बात करें तो आप देखेंगे कि ये देखिए 24 आवर्स के बाद जो है वो कुछ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी में कमी होगी, लेकिन नॉर्दर्न राजस्थान में थंडरस्टॉर्म जारी रहेगा। लेकिन आप कह रहे हैं सर कि आज भी जयपुर में दोपहर बाद तूफान आदि बारिश इसकी संभावना बनी हुई है जयपुर में खासकर? देखिए जयपुर में इतना सीवियर थंडरस्टॉर्म होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हल्के से मध्यम दर्जे का थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की पॉसिबिलिटी है और लाइट मॉडरेट रेन हो सकता है। ये सर जो पूरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये कितने दिन तक राजस्थान में रहने की संभावना है? क्या सर 1-2 दिन बाद ये खत्म हो जाएगा या आने वाले 5-7 दिनों तक लंबा असर जारी रहेगा? क्या अनुमान है सर मौसम में? बिल्कुल, देखिए एक और पीछे एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देखेंगे कि 48 घंटों में सक्रिय होगा, तो उसका असर जो है वो 28 मई से फिर से शुरू हो जाएगा। तो राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में 28 और 29 मई को फिर से बढ़े हुए आंधी तूफान यानी तेज़ हवाएं और बारिश का अमाउंट भी फिर से बढ़ जाएगा, यानी कि ये बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज एक्टिव हो रहे हैं। तो जो नेक्स्ट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो 28 को एक्टिव होगा, उसका असर 28 और 29 को फिर से ज़्यादा इंटेंसिटी के रूप में देखने को मिलेगा और 30-31 को भी जो है वो कुछ इलाकों में आंधी बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। एक चीज़ और समझना चाहूँगा राजेश्याम, जब से ऐसा कहा जाता है कि नौतपा में जितनी गर्मी पड़ती है मॉनसून उतना अच्छा आता है, लेकिन अब क्योंकि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, कल जितना पानी बरसा है जयपुर में, राजस्थान के कई इलाकों में, तो क्या इससे लॉन्ग टर्म में जो मानसून आएगा राजस्थान में उस पर कोई प्रभाव पड़ सकता है सर? देखिए मानसून का जो एक बुलेटिन जो है वो मौसम विभाग के द्वारा ऑलरेडी जारी किया जा चुका है और सेकेंड स्टेज अपडेट आज दोपहर में ही मौसम विभाग मुख्यालय के द्वारा जारी किया जाएगा। इसमें डिटेल में ये जानकारी दी जाएगी कि मंथवार कैसा रहेगा, मानसून का जो है वो क्षेत्रवार परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, तो मुझे लगता है कि इसके लिए आपको आज दोपहर तक वेट करना चाहिए। तो ये मान के चलें सर कि आज भी लोगों को, खासकर जिस इलाके में आप बता रहे हैं सीकर, हनुमानगढ़, जो पंजाब और हरियाणा से सटे हुए जिले हैं, उनमें लोगों को थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए विशेष रूप से ये समर सीजन में जब भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी होती है तो उसमें जो मेजर कैजुअलिटी हो सकती है तेज हवाओं की,
दूसरा लाइटनिंग यदि आप देख पा रहे हैं अपने आसपास में, यदि बिजली चमकने की परिस्थिति बनी हुई है तो बिल्कुल भी इसको लाइट ना लें, हल्के में ना लें, जो सेफ शेल्टर है उसमें तुरंत शरण लेवें। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा जो बता रहे हैं कि अभी भी जो पश्चिमी विक्षोभ है, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसका असर राजस्थान में बना हुआ है और आज जो इलाके हैं हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, सीकर, जो पंजाब और हरियाणा से सटे हुए जिले हैं हमारे राजस्थान के, उनमें और जयपुर में भी दोपहर बाद मौसम कल की तरह फिर बदल सकता है। प्रदेश में बीती रात हुई तूफानी बारिश ने जबरदस्त कहर बरपाया। अंधड़ के साथ आई बारिश और देर रात गिरी बिजली के कारण टोंक जिले में 10 लोगों की मौत होने की खबर है। राजधानी जयपुर में 96 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली तेज हवाओं के कारण कई इलाके अंधेरे में डूब गए हैं और इस तूफान की स्पीड मई 2021 में आए ताऊते तूफान से भी ज्यादा रही। उस समय जयपुर में करीब 75 किलोमीटर स्पीड से आंधी चली थी और तस्वीरें, चार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। टोंक की पहली तस्वीर है जहां पर टीन शेड गिर गया। दूसरी तस्वीर दोसा की होर्डिंग गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर है जयपुर के चाकसू की जहां पर टावर गिर गया। तो चौथी तस्वीर है करौली की।